हजरत अफगानिस्तान की जंग में अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत थी, ठीक है। तो चूंकि मुशर्रफ सदर थे, इस वजह से अमेरिका को मुशर्रफ के साथ दोस्ती जो कि टूट गई थी प्रेसिडेंट तरमीम के बाद जो 1989 में आई थी, ठीक है, और जिसके तहत पाकिस्तान की दिफाई जो मतलब जहाज थे या दीगर असला था, तो प्रेसिडेंट तरमीम के तहत पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाई गई थी। मुशर्रफ अफगान जंग की अफगान अमेरिका जंग की वजह से शोहरत रखते हैं और ज़ियाउल हक़ अफगान और सोवियत यूनियन की जंग की वजह से शोहरत रखते हैं, ठीक है। तो इस वजह से मतलब मुशर्रफ के एक तरफ तो उनके इख्तियारात उनके पास बहुत ज़्यादा थे, फिर उन्हें लीगल फ्रेमवर्क आर्डर के तहत मज़ीद इख्तियारात मिले, ठीक है। फिर हो एक ही वक्त में पाकिस्तान के सदर भी बने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे, बहुत सारे अहदे उनके पास थे, सही है। और इसके अलावा अफगानिस्तान की जंग में उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी अमरीका को, क्योंकि पाकिस्तान की मदद के बगैर न सोवियत यूनियन कामयाब हुआ अफगानिस्तान में और ना गुज़िश्ता 19 साल से अमरीका की कामयाबी के कोई आसार नज़र आ रहे। तो जहाँ तक LFO का मामला है, ठीक है, तो लीगल फ्रेमवर्क आर्डर जो है ये मुशर्रफ हुकूमत और दूसरी तरफ उस वक्त की अपोजिशन की जितनी भी जमातें थी, चाहे वो PML नून लीग या पीपल्स पार्टी या फिर मजहबी जमातें थी, जो भी थी, ठीक है, तो सब की सब मुशर्रफ की मतलब उनकी मुखालफत कर रही थी, सही है। और लीगल फ्रेमवर्क आर्डर के तहत चूँकि इख्तलाफात दोनों पार्टियों के इस भी इख्तलाफ यानी गवर्नमेंट और पोजीशन दोनों के दरमियान मौजूद थे, ठीक है, और हल नहीं हो रहे थे, बावजूद ये कि पाकिस्तान के उस वक्त के वज़ीर आज़म मिर्ज़ा फ़ज़लुल्लाह ख़ान जमाली ये भी अपनी भरपूर कोशिश कर रहे थे, ठीक है। बहरहाल LFO का मामला जो है ये आखिर तक मुशर्रफ के साथ चलता रहा। एक तरफ मुशर्रफ की जनरल परवेज़ मुशर्रफ की LFO थी उनकी पुश्त पर, तो दूसरी तरफ जो है तमाम सियासी पार्टी पाकिस्तान की उन्होंने मिलके एक अलायंस बनाया मुशर्रफ हुकूमत के खिलाफ, जिसको ARD यानी अलायंस फॉर रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, तो उन्होंने ये बनाया हुकूमत के खिलाफ परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ, बल्कि एक वाइट पेपर भी पब्लिश कराया जिसमें मुशर्रफ पर बेरोज़गारी और अकराबा परवरी यानी अपनी पसंद के लोगों को ओहदे देने या इस किस्म की मुख्तलिफ इंसेंटिव्स मुख्तलिफ मुफादात में उनको हिस्सा देना वगैरह वगैरह, ठीक है। मुख्तसर तौर पर मैं ये कह रहा था कि उन्होंने अलायंस फॉर रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी ARD भी बनाया और मुशर्रफ के खिलाफ अदालत में भी गए, ठीक है, लेकिन अदालत ने उनकी अपील खारिज कर दी और मुशर्रफ अपनी जगह, ठीक है, सदर रहे, बल्कि नेक्स्ट जो आने वाली हुकूमत थी 5 साल पर मुश्तमिल उसके लिए भी जनवरी 2004 में मुशर्रफ जो है ये सदर मुंतखब हो गए। बहरहाल मुशर्रफ जिस तरह चाहते थे तो फरवरी 2008 में सदारती जनरल इलेक्शंस हुए, ठीक है, और इलेक्शंस में मुशर्रफ को आइंदा 5 साल के लिए सदर मुंतखब किया गया। अपोजिशन ने उन पर मतलब करप्शन, इस किस्म की करप्शन के आपने पैसे इस्तेमाल करके पार्लियामेंट में मतलब वोटों को खरीद लिया है वगैरह वगैरह, तो ये इल्ज़ाम भी लगाए। बहरहाल जो भी थे परवेज़ मुशर्रफ आइंदा 5 साल के लिए सदर मुंतखब हो गए, ठीक है, लेकिन इस इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है इसकी 2008 के इलेक्शन में ये बिल्कुल फेल हो गई और इंतखाबात जो है ये पीपल्स पार्टी ने जीते, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ग्रुप भी इतने ज़्यादा वोट ना हासिल कर सकी, अपनी हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं थी, ठीक है, तो इस बार पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ गई और उस हुकूमत के नतीजे में यूसुफ रजा गिलानी जो है ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने और सदर परवेज़ मुशर्रफ जो है ये मतलब पाकिस्तान के सदर ही। मुशर्रफ ने इस दौरान तकरीबन 9 साल पर मुहित ये अरसा है, तो इतने एक अशरे पर मुहित इतने वक्त में सालों में मुख्तलिफ वाक़ियात ऐसे हुए जिस तरह पाकिस्तान में अमेरिका के ड्रोन हमले या दहशतगर्दी की जो लहर थी, ठीक है, यानी जुडिशरी के हवाले से वकीलों और जजों का मतलब उनका मुशर्रफ हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज वगैरह वगैरह, तो बहरहाल हम इनको डिटेल में बयान करेंगे। लीगल फ्रेमवर्क आर्डर इन किस्सों को लेके मुशर्रफ की वर्दी के पीछे पढ़ के, ठीक है, और इस तरह की जो एक इतिहाद बना लिया था पोजीशन पार्टी ने मुशर्रफ के खिलाफ, तो
ऐसे पार्लियामेंट में जिसमें मुशर्रफ के हिमायती जो है जनरल मुशर्रफ के, उनके सपोर्टर्स एमएनएस या एमपीएस ये ना होने के बराबर थे, तो ऐसी पार्लियामेंट में गालिबन मुशर्रफ भी अपने आप को तन्हा और अकेला महसूस करते होंगे। तो इस वजह से जनरल मुशर्रफ को आए दिन उनके खिलाफ जो एहतजाज और मुजाहरे हो रहे थे, ठीक है, तो उसके नतीजे में मुशर्रफ ने अगस्त 2008 में इस्तीफा दे दिया, ठीक है, और उनकी जगह जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी, ये पाकिस्तान के सदर बने। ओके, सो समथिंग अबाउट द एनलाइटमेंट प्रोग्राम ऑफ जनरल परवेज मुशर्रफ। ओके, सो मच ऑफ हिज इंटेंशंस एंड हिज प्लान्स are briefly discussed himself by General Pervez Musharraf in his book which name is In the Line of Fire. Okay, anyhow, Musharraf writes about himself that he, as his parents, his father was a government official. Okay, so he was transferred to Turkey and Musharraf had to go there along with his parents, where he studied in Turkish schools, and that was the reason he was so impressed of the modernization or modernism policy of Mustafa Kemal Pasha Atatürk, and many times Musharraf spoke on TV, okay, that he intends to implement that type of modernization program in Pakistan also. Anyhow, Musharraf on the other hand, he finished the passport column regarding the showing one's religion, that what religion you belong to. So the reason that the religion column from the passport of Pakistan was to be finished was that according to Musharraf that no other country including Saudi Arabia or Bahrain, Qatar, Kuwait, Malaysia, Turkey, etc. Lot of countries have issued and they are issuing passport to their citizens, but none of them identifies or shows the column of religion to know about a person, what religion you have. Anyhow, it was finished by this column was removed from the passport of Pakistan by General Pervez Musharraf, but the opposition parties and especially the religious parties, they turned against him, especially at this point, and Musharraf had to take back his decision. Okay, so regarding the women's rights, Musharraf passed a bill in the parliament about the rights of the women in Pakistan. Okay, similarly, on the other hand, we see about his enlightenment program that Musharraf wanted to see a graduate or a postgraduate assembly. Even he would maybe his mind was that to have a postgraduate assembly instead of a graduate assembly. He wanted a graduate assembly, so he put the condition that all those having at least graduate degrees could apply for the as a candidate for the national or provincial assemblies. Okay. Regarding the media, so it was in the age of General Pervez Musharraf that media was set free up to some extent or up to a great enough extent. Okay, before him there was no other president or prime minister of Pakistan gave such a free hand to the media, and news those days were announced, and for the issuance of news or to watch news, one had only to depend upon the government channels. That was only PTV or PTV2, like that. Okay, you didn't have any free type of media that could lead you to news of common day-to-day life. Okay, so it was General Pervez Musharraf, okay, who gave a very free hand to the media, and as a result of that media, now you see that there is a green type of revolution in Pakistan.